राजधानी देहरादून में शनिवार को विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। रावण दहन का मुख्य आयोजन दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी की तरफ से ऐतिहासिक परेड मैदान में किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम धामी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वहीं रावण दहन से पहले भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो कि कालिका मंदिर माता मार्ग से शुरू होकर शहर के कई हिस्सों से होते हुए परेड ग्राउंड पहुंची। वहीं दशहरा मेला व पुतला दहन देखने भारी संख्या में लोग परेड ग्राउंड पहुंचे। तेज धमाकों के साथ सबसे पहले लंका दहन किया गया, फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को आग लगाई गई। अंत में हजारों लोगों की भीड़ के समक्ष अहंकारी रावण धू धू कर जल गया। रावण दहन के अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसीलिए हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आप सबको असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक विजयदशमी एवं दशहरे पर्व की आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं माँ जगदम्बा और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। भाइयों बहनों, ये दशहरा विजयदशमी का एक पर्व न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है, बल्कि यह पर्व हमें मानव जीवन में धर्म, सत्य और मर्यादा के महत्व के इसका बोध भी कराता है। यह हमें रावण जैसे अहंकारी और अधर्मी के अंत और भगवान श्री राम के आदर्श जो उनके जीवन का था उसका स्मरण भी कराता है। यह पर्व हमें बताता है कि कोई भी अत्याचारी, कोई भी अधर्मी और अन्यायी, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, यदि हम सच्चाई के मार्ग पर चले, न्याय के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, तो हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, हमेशा असत्य पर सत्य की जीत होती है, हमेशा अन्याय पर न्याय की जीत होती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अहंकार की ज्वाला स्वयं उस व्यक्ति का नाश करती है जिसके भीतर यह अहंकार होता है। अहंकार में रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई और अहंकार की ज्वाला में वो रावण भी भस्म हो गया, जिसको त्रिलोक का विजेता कहा जाता था।